तो हम दिखा रहे हैं यहाँ भी कुछ फौरी तौर से एक सप्ताह पहले 2 अक्टूबर को पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया था। उत्तर प्रदेश टाइम्स ने रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशन की हकीकत दिखाई थी, यहाँ के शौचालय की व्यवस्था के बारे में आपको अवगत कराया था। तो उस उत्तर प्रदेश की टाइम्स की जो खबर है उस पर रेलवे विभाग ने संज्ञान लिया और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं शौचालय, इसकी थोड़ी साफ सफाई भी कराई है। हम आपको अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं कि इस खबर चलने के बाद विभाग की तरफ से क्या कुछ यहाँ पे हुआ था। आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ी सफाई कराई गई है और जो पहले गंदगी थी वो यहाँ नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ जो वॉश बेसिन है देख सकते हैं कि वॉश बेसिन वैसा कि वैसा है, इसमें पानी का जो टोंटी लगनी चाहिए वो नहीं लगी हुई है। और इधर की तरफ आप लेके चलते हैं, जेंट्स टॉयलेट है, जेंट्स टॉयलेट में जो इधर का जहाँ शौचालय बना हुआ है इसको हम दिखा रहे हैं, यहाँ भी कुछ फौरी तौर पर साफ सफाई हुई है लेकिन नीचे पाइप नहीं लगी हुई है, जिससे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है गंदगी का पूर्ण रूप से निवारण नहीं हो पाएगा। तो ये जो शौचालय है ये आपने देखा कि एक बार विभाग ने खबर चलने के बाद जो संज्ञान लिया और फौरी तौर पर इसको साफ सफाई करवा दी गई है, लेकिन अभी तक क्या है कि यहाँ पर जो है स्थायी सफाई की व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई व्यक्ति अपॉइंट नहीं किया गया जो कि इस साफ सफाई को देखे और यहाँ पे इस पर निगरानी रखे। इसी कारण आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी यात्री आएगा और उसको यूज करेगा और फिर से गंदगी हो सकती है। तो ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि रेलवे विभाग ने केवल एक स्थायी तौर पर यहाँ साफ सफाई करवा दी है। अभी तक जो टेंडर की प्रक्रिया में ये सब चीजें जो सफाई की स्थायी जो चीजें हैं वो अभी अटकी हुई है। रायबरेली से रविंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।